रक्षाबंधन के बाद आपका ये पहली वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो इशू है वो है, कल हमारे यहाँ पर ऑल पार्टी की मीटिंग हुई डोगरा सदर सभा की तरफ से। हमने सब नेताओं को रिक्वेस्ट की कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर सूबा जम्मू के अंदर जो माहौल है वो ठीक नहीं है। आप सब जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं कि यूथ पूरा का पूरा जम्मू का सड़कों पर था। और इशू क्या था? इशू ये नहीं था कि वो नई चीज़ की मांग थी, बल्कि वो इशू जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कमिटमेंट दी थी, टोल प्लाजा की बात थी, चाहे स्मार्ट मीटर के बारे में कई दफ़ा उन्होंने कहा कि हम उसको फिर से रिकन्सिडर करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में कहा, ये सब वो चीज़ें थी जिन पर चर्चा चल रही थी। और गवर्नमेंट ने एक दिन नहीं, कई दफ़ा, कई दिनों ये डिफेंस स्टेटमेंट दिए उसके बारे में, और गवर्नमेंट खुद महसूस करती थी कि वो उनमें बहुत कुछ करना बाकी है, अगर इसको लागू करना होगा तो उसमें अमेंडमेंट लाना जरूरी है। अब ये क्या हुआ कि गडकरी जी की भी अनाउंसमेंट थी पार्लियामेंट के अंदर कि टोल प्लाजा खत्म किए जाएंगे, जितने डिस्टेंस पर अलाउड है वही हम रखें। उसमें ये 100 टोल प्लाजा भी आता था, बन का भी आता था, और बाकी जो उन्होंने फैसले लिया ठंडी खुई का, बाकी ये सारा रिकन्सिडर करने की कोशिश हो रही थी। इतनी देख कर हमारे यूथ ने, जम्मू के यूथ ने ये देख कर कि सड़क हमें मिल नहीं रही, सारी सड़क उखेड़ी हुई है, पुल टूटे हुए हैं, और ये टोल प्लाजा तो बंद नहीं हो रहा, तो अगर रिकन्सिडर करना है तो सारी सड़क के जिसके वजह से टोल प्लाजा हमें देना पड़ता है और वो लेते हैं, वो वजह ही नहीं वहाँ पर, तो इसको बंद करो आप। और उसको लेकर कुछ नौजवानों ने, जैसे युवा राजपूत सभा के नौजवान भड़के, और सारे की सारी पार्टियों ने, सब संस्थाओं ने उनको सपोर्ट किया कि वाकई ये जायज मसला है, और ये भी कहते रहे, और उसके बाद उनको जेल में ले गए। यानी आप जानते हो कि बड़े मुश्किल हालात में पीक पर मिलिटेंसी थी, पाकिस्तान यहाँ पर किस किस्म के खेल खेल रहा था, कश्मीर का नौजवान भड़क चुका था, घरों के घर में इस वक्त अजीब किस्म का सन्नाटा था, नौजवानों ने आहुतियाँ अपनी, जो शहीद हुए वहाँ पर, चाहे सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने भी आहुतियाँ दी, और जो मिलिटेंट बने और उन्होंने हरकतें की वो भी मारे गए, और घरों के घर खाली हुए थे। तो वो बात पाकिस्तान इसलिए थी कि पाकिस्तान में हाथ वो वहाँ से लोग उनके हाथ में लग गए। पर जम्मू के मिसाल है कि जम्मू की इन बेल्ट्स के अंदर कोई मिलिटेंट आया अगर तो उसको जिंदा नहीं जाने दिया, लोगों ने उसका शिकार करके मार दिया, ऐसे इलाके को आपने पूरे को डिस्टर्ब कर दिया, ये गलत बात थी। उसको लेकर सारी हमारी सोशल संस्थाओं के और मोस्टली पॉलिटिकल लीडर्स ने फैसला किया कि हम बैठ के फैसला करें और जम्मू को डिस्टर्ब होने से बचा लें, यहाँ कोई जानी नुकसान हो गया, कोई अगर फास्ट या कोई डेथ किसने रखा है वो उसकी, अगर वो नहीं रहा तो यहाँ पर जो कुछ होगा वो शायद गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहेगा। और वो बंकर, जिस बंकर से आपने पंजाब के अंदर पाकिस्तान ने जो वहाँ पर एंटी नेशनल कोई इसकी नेशनलिज्म लाने की कोशिश की, वो यूथ भड़का या उसके हाथ में आ गया, उसका मुकाबला आपने जम्मू से किया, हिंदू सिख का फसाद यहाँ नहीं होने दिया, और जब कश्मीर के अंदर आग लगी वो चिंगारियाँ भी यहाँ पड़ रही थी उनको भी मसल दिया गया, ऐसे बंकर को आपने तोड़ने की कोशिश की। तो कल उसकी चिंता दिखाते हुए हमारे ये नेता यहाँ बैठे हैं, सीनियर लीडर्स, आप सब जानते हैं, नाम इनके लिखे हुए हैं प्रेस नोट पर, इनके अलावा बाकी लोग भी थे, और बड़ा डिटेल मंथन हुआ वो आपके सामने हम रख रहे हैं। सबसे पहले हमने ये कहा कि गवर्नमेंट का जो रवैया है यहाँ के लोगों के साथ वो ठीक नहीं, वो एक बड़ी कोऑपरेशन दोनों साइड से होनी चाहिए थी, जिसके लोगों ने काम किया वो इस माहौल में नहीं लगा। तीसरा, ये जो टोल प्लाजा वाला मसला है ये फौरन गवर्नमेंट ने
कभी लड़कों को जेल में ले जाना, कभी छोड़ना, इस तरीके से करना, वो नहीं। इन चीज़ों को छोड़ दो, आप इस टेस्ट में मत डालो लोगों को। हम हमारी सब लोगों की, सब नेताओं की जो हमारे सामने बैठे हैं, ये डिमांड है कि फौरन टोल प्लाजा बंद करो, जब तक आपके रूल्स के मुताबिक टोल लेना नहीं बनता तब तक टोल नहीं लेना चाहिए। और यूथ जो फास्ट एंड टू डेथ कर था, कईयों का आपने कल कईयों के जो वो फास्ट वगैरह ख़त्म करवाए, लेकिन कुछ लड़के अभी भी हॉस्पिटल के अंदर हैं। अगर उनका कोई नुकसान हो जाता है तो बिल्कुल क्लियर कट रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की होगी। इसलिए ये फौरन फैसला करें और उनके लिए पूरा इंतज़ाम करें कि उनका कोई जानी नुकसान ना हो। हमें इस बात की चिंता है। जो बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, मेरे साथियों, आप तो पत्रकार बंधु हो, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप मुझे बताओ कि ये जो बिल आ रहे हैं लाखों रुपए के, वो इसलिए बिल आ रहे हैं, कहते हैं पुराने मीटर खराब थे, तो पुराने मीटरों के बिल हैं ना, तो पुराने मीटर निकाल रहे तो ये बिल भी छोड़ो, अगले जो है मीटर टेस्ट करके लगाओ ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। ये भी हमने सब पार्टियों के सब नेताओं ने वहाँ पर यूनानिमस फैसला किया है कि गवर्नमेंट से मांग की है कि ये मीटर टेस्ट करो, उन्होंने वायदा किया है। और दूसरा, जो पुराने मीटर आपने खुद कहा कि वो इसलिए रिप्लेस किए कि वो ठीक नहीं थे, तो उनका जो बिल था वो सारा का सारा ख़त्म करो। और फिर अगली बात ये है कि हमारा हेरिटेज है जिसको लेकर हम कह रहे हैं कि डोगरा का, अब देखिए कश्मीर के अंदर ये मिलिटेंसी बढ़ती, उसका कारण एक ये भी था कि इस जनरेशन को नहीं पता था कि कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जम्मू कश्मीर बना कैसे, बचा कैसे और 75 साल चला कैसे। तो वो इंस्पायर करता है इतिहास, तारीख वो इंस्पायर करती है, हेरिटेज वो अपने गायब कर दी, उसकी तरफ ध्यान है। ऐसे ही सबसे बड़ा हेरिटेज जम्मू कश्मीर का मुबारक मंडी हेरिटेज है। वहाँ ये पता लगा कि उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फोर्ड किया और एक पैलेस को, बहुत सुंदर पैलेस को, ये होटल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत होगा। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को ये रूल्स के मुताबिक होटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, डिक्लेयर्ड है, उसको आप ना करिए, उसके लिए रोष है। इसके साथ आपके माध्यम से भी हमने पहले भी कहा, अब हमने विजिट भी की थी और कल हमारी सब ये नेता बैठे हैं और इन सब ने एक आवाज़ से ये किया है फैसला कि वो जो हेरिटेज, जो आर्काइव रिपोजिटरी है, उसके अंदर 8 लाख फाइल है, जिसके अंदर चशूर की ट्रीटी, अमृतसर ट्रीटी, लाहौर ट्रीटी, स्टेट बनी कैसे, आज भी किन बुजुर्गों की जो खोपड़ियाँ आज भी उन बर्फानी पहाड़ों में, वो सारी कहानियाँ वहाँ हैं जिनसे कि इंस्पिरेशन मिलती है। तो वो इतिहास से गायब ना हो जाए, इसलिए वहाँ से उस आर्काइव को ना छेड़ा जाए, ये भी कल फैसला हुआ। और इसके साथ साथ आपके माध्यम से पहले भी कहा था, लेकिन आज सब पार्टियों के नेता हमारे बैठे हैं, इन सब ने ये फैसला किया कि हम गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि रणबीर कैनाल, आपको बताया हुआ है, इस धरती पर ऐसी नहर और कोई नहीं है जिसका इतिहास ये है कि डायरेक्ट मिनरल, उसके अंदर पानी के अंदर मिनरल्स हैं, डायरेक्ट ग्लेशियर से पानी आता है, आरएसपुरे की बासमती के अंदर जो खुशबू है उस पानी की वजह से है। 64,000 हेक्टेयर जमीन ये इरीगेट करता है, दड़ब के पास जो बीच हो चुकी है, ये नहर ख़त्म हो रही है, एनक्रोच हो रही है, पूरे शहर का गंदा पानी जो है गटर खोले हुए हैं इस नहर के अंदर डाल रहे हैं। या हमने मांग की थी कि साबरमती रिवर की तरह आप इसके ऊपर सोलर सिस्टम लगाओ, बिजली भी मिलेगी खुली और यहाँ किश्तियाँ चलती थी, फिर से टूरिस्ट आएगा। ये फ्रिज है बहुत बड़ा, कि रेफ्रिजरेटर का काम भी करती है नहर, उसको बचा लो। ये भी कल हमारे इन नेताओं ने, जो ये बातें आम नेता नहीं करते, जिनकी स्टडी है वो जानते हैं, वही करते हैं, और इन सब पार्टियों ने, सब नेताओं ने मिलकर फैसला किया है और ये मांग की है। इसके साथ साथ रामबन डिस्ट्रिक्ट, आप देख रहे हो कि आज हर तीसरे दिन सड़कें बंद हो, हाईवे बंद हो रहा है, हजारों की तादाद में गाड़ियां खड़ी है, क्यों बंद हो रहा है, क्योंकि आपने गलत कटिंग की उन पहाड़ों की और नेशनल हाईवे की प्लानिंग जो
असली प्लानिंग होनी चाहिए थी, वो एक साइड पर रह गई और वहाँ पर सारे पहाड़ चल गए जो ब्लास्टिंग की, उसकी वजह से दरारें आ गई हैं और 300 फैमिली आज भी डिसलोकेट होकर वो उनको इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा जाओ आप लोगों के मकानों को किराए पर ले लो, किराया गवर्नमेंट देगी, उनको कोई किराया नहीं मिल रहा और भूख से मरने की स्थिति में इस वक्त लोग हैं। हमारी मांग है कि रामबाण के अंदर जो गलतियां हुई हैं इसको पूरी तरह से आप फिर सर्वे कराओ, देखो कहाँ गलती हुई, ठीक करो। ये जोशी मठ की तरह पूरे का पूरा ये इलाका जा रहा है, आप पछताओगे चिल्लाओगे। आज ऐसे हिमाचल की पोजिशन बन गई है, आज शिमला इस धरती पर ज्योग्राफी में नहीं रहेगा, वो सिचुएशन यहाँ बन रही है। और मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन था ये पहाड़ थे जम्मू के जो तबाह हो रहे हैं, इसके पीछे कोई साजिश लगती है। और फिर एक हमने ये कहा था, ये जो सारी बातें जो एजिटेट कर रहे हैं लोग, उनके साथ तो बात आप करो, लेकिन जब असेंबली का चुनाव नहीं हुआ है तो उसकी एब्सेंस में आपके पास ग्रास ये डेमोक्रेटिक सेटअप, कोई अफसर ये कहे कि लोग मेरे पास चल के आए तो गलत है, मालिक ये हैं, ये तनख्वाहें दे रहे हैं अपने टैक्स से। तो इसलिए जब तक आपकी असेंबली बहाल नहीं होती तब तक सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करिए और उनका डिस्कस करिए, और जम्मू और कश्मीर के दो दो कम अज कम एडवाइज़र जो हैं वो सिविल सोसाइटी की तरफ से आप लीजिए, ताकि ब्यास तक आप लोगों की बात सुन सकें। ये डिक्टेटरशिप यहाँ नहीं चलनी चाहिए, और यहाँ के जो अफसर हैं ब्यूरोक्रेट हैं उनको भी जगह देनी चाहिए। बाकी लास्ट में हमारा पॉइंट था कि स्टेटहुड हमारी इस ऐतिहासिक रियासत की वो दर्जा वापस किया जाए जो आपने वायदा किया है, इमीडिएटली और इलेक्ट्रिक किए जाएं। धन्यवाद।